जैस्मिन है बहुत की नजर आ सकती है। अब ऐसे कोई क्या जाने, कुछ भी बात मत करना मेरे से, ठीक है? मन पसंद चीजों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के करोगे? नहीं करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हाल चाल हैं आप सबके? अपना बचाव रखिएगा, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कहते हैं कि 2017 में इतनी ठंड पड़ी थी और अब जाके 2024 में इतनी ठंड पड़ी है, मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि हिमाचल जैसे एरिया में जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पे रोज़ धूप निकल जाती है सुबह उठते ही, लेकिन यहाँ पे जो प्लेन एरिया है यहाँ पे बहुत फॉग पड़ रही है, धूप का नामो निशान है। और जिस दिन धूप निकलती है ना उस दिन जैसा लगता है कि हाथ पैर मानो खुल गए हैं, मतलब दिल करता है कि पता नहीं कितना काम निपटा लो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है मुझे बताइएगा। खैर, अभी मैं बना रही हूँ जैस्मिन का टिफ़िन। तो सुबह सबसे पहले मैडम का टिफ़िन रेडी करना होता है, उसे ब्रेकफास्ट करवाना होता है, उसके बाद बाकी के काम शुरू होते हैं। आज मैंने उसके लिए मशरूम चीज़ बनाया है, 2 से 3 मिनट लगते हैं सिर्फ इसे रेडी होने में। सिर्फ सौटे करना है मक्खन में इसको, प्याज वगैरह, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद बस मशरूम डाल के उनको थोड़ा सा पका लेना है, थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, थोड़ा सा चीज़ डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर, बहुत बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। सैलड में उसे दे रही थी तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है, तो फिर मैंने दही में सब्जियां ऐड करके साथ में थोड़ा सा छौंक लगा दिया, जैसे सूखी लाल मिर्च का, राई का, और साथ में थोड़ा सा हींग डाल दिया, ब्लैक सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा सा एक तो वो वार्म हो जाता है और टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आप लोग मुझे पूछते हो कि जैस्मिन नज़र नहीं आती है, जैस्मिन जैस्मिन बहुत बिजी है, जैस्मिन हमें नज़र नहीं आ रही है। जैस्मिन खुद को नज़र नहीं आ रही तो आपको क्या नज़र आएगी, जबकि जैस्मिन है बहुत की नज़र आ सकती है, पर वैसे खो गई है बहुत। बिजी होना अच्छा है। सुबह का सारा काम वाम खत्म करके मैं तैयार होके ऊपर चली जाती हूँ बच्चों के पास, और मेरा वर्क टेबल भी वहीं पे है तो कुछ अपना मी टाइम वहीं पे स्पेंड करती हूँ। और अब ऊपर भी एक किचन है तो जहाँ मैंने अपना रिक्वायरमेंट का सामान रखा है, आपको मैं टूर करवाऊंगी, मुझे पता है आप लोग डिमांड कर रहे हैं टूर की, बहुत जल्द आपको दोनों किचन्स का टूर मिलेगा। अब कभी अपनी डाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर भी लेना तो भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अपनी लाइफ में एक बार इंक्लूड कर लेने से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद पे ले लेती हैं। लाइफ के कुछ अप्स एंड डाउन और कुछ स्ट्रेस से निकलने के बाद मेरा चेहरा अभी आपको पूरा रिंकल से भरा हुआ नजर आता अगर मेरे पास ये ना होता। और ये है तो चिंता किस बात की। आप लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं कॉलेजन लेती हूँ, या लेती भी हूँ तो कौन सा लेती हूँ। और मैंने शायद आपके साथ पहले भी बहुत बार शेयर किया है कि बहुत टाइम से मैं ये चीज़ ले रही हूँ, मतलब अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए, अपनी ओवरऑल वेलनेस के लिए मैं यूज़ करती हूँ फाइटिका लेट इट ग्लो कॉलेजन बूस्टिंग सप्लीमेंट, जो पाइनएप्पल फ्लेवर के साथ आता है और ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बना है, जैसे कि कॉलेजन, एल्ग्लूटाथाइन, हाइलुरोनिक एसिड, बायोटिन एंड विटामिन सी। और ये सभी चीजें आपको एक स्मूथ और यूथफुल स्किन प्रोवाइड करती हैं। आपकी स्किन पे फाइन लाइंस हो, रिंकल्स हो, या फिर डार्क स्पॉट्स हो, उन्हें रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। ये स्किन इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करती है और साथ ही आपके हेयर, नेल्स को स्ट्रेंथ देती हैं। देखो जी, एज बढ़ने के साथ साथ हर साल 1 से 1.5% कॉलेजन हमारी बॉडी से रिड्यूस हो ही जाता है, लेकिन फाइटिका लेट इट ग्लो कॉलेजन सप्लीमेंट बस एक स्कूप डेली पानी में मिक्स करके डेली लेना है, और 2-3 महीने कंटिन्यूसली अगर आपने इसे कंज्यूम कर लिया तो आप मुझे जरूर थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि रेगुलर यूज करने के बाद आपको काफी स्किन बेनिफिट्स भी नजर आने लगेंगे। साइड इफेक्ट इसका कोई है नहीं, लेकिन भी अगर आपको कोई एलर्जी वगैरह है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इसे कंज्यूम करने से पहले आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से एडवाइस ले लीजिएगा। मेन एंड वुमेन दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा सेफ है, हर स्किन टाइप के लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो ये कॉलेजन जो है वो सबके लिए सूटेबल है। हमारी बॉडी और माइंड की तरह ही हमारी स्किन भी केयर की डिमांड करती है, तो जिस चीज की जितनी केयर हम करते हैं वो उतना ही अच्छा रिजल्ट भी हमें प्रोवाइड करती है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा फाइटिका लेट इट ग्लो फॉर रेडिएंट स्किन, हेल्दी हेयर एंड स्ट्रॉन्ग नेल्स। और बाय करने के लिए आपको लिंक आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर सिप में पाइनएप्पल का टेस्ट। अब
ऐसे कोई क्या जाने कोई पिए तो जाने। तो ये कॉलेजन आपको खाना खाने के आधा एक घंटा बाद लेना है। तो खाने की बात हो रही है तो आज खाने में बनाने का सच में मेरा मूड पता क्या था कि मक्की की रोटी में मेथी डालूंगी और साथ में मूली डालूंगी ग्रेट करके, तो बस उसकी फटाफट रोटियां बनाएंगे, मतलब बटर के साथ खाने का दिल कर रहा था मेरा। लेकिन वही है कि प्लान में चेंजेस आते हैं जब आपके बच्चे कुछ डिमांड कर रहे होते हैं, तो उदय ना एक चीज़ पकड़ लेता है फिर उसी को रिपीट करता रहता है जब तक वो चीज़ बन नहीं जाती। जैसे कि पाव भाजी, मतलब इतनी कॉमन हो गई है पाव भाजी हमारे घर में, मन भी नहीं कर रहा होता हमारा खाने का, लेकिन क्योंकि बन जाती है तो फिर लगता है कि चलो अब मक्की की रोटी बनाने में भी उतना ही टाइम जाएगा, दो तीन लोग कुछ और खाएंगे और पाव भाजी भी बनेंगे अलग से तो उसमें भी टाइम जाएगा, तो चलो पाव भाजी बना लेते हैं, बच्चे की पसंद का बना लेते हैं, वही खा लेंगे। हो जाता है ना कभी कभी आप इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चलो कुछ भी कहो, मतलब पाव भाजी बनाई आज हमने और फिर सबने इंजॉय करते हुए खाई। ये लड़का हमें रोज ही पाव भाजी खिलाता रहता है, मतलब हर हफ्ते इसका पाव भाजी पाव भाजी पाव भाजी, इसके चक्कर में हमें भी खानी पड़ती है। बनी है पाव भाजी, जिसको खानी है वो आ सकते हैं। किसी का भी पड़ोसी नहीं जाएगी आकर अपने आप अपने आप सेल्फ सर्विस है। जिंदगी की रास्ता चाहे कितनी हो बिन तुम्हारे कुछ नहीं बिन तुम्हारे कुछ नहीं। कैसी बनी है पाव भाजी? बहुत बढ़िया बढ़िया, मूंग दाल का हलवा बन रहा। सही बात है, फरमाइशें तो हमारे घर में ऐसी होती हैं, जैसे यहाँ पे ना 24 आवर से कुक रखा हुआ है। आपने बोला कि बनाऊंगी मूंग दाल के लड्डू बना के रखे, वो खाए मैंने? वो नहीं खाए, मैं आपको पता डिफरेंस होता है। मैंने उसमें बहुत सारा सामान जो तुम लोग नहीं खाते मैं नहीं डाला है। मूंग दाल के हलवा और मूंग दाल की पिंडी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बिल्कुल बनाने का तरीका डिफरेंट है। बना देना जो प्लेट में है उसे अमृत समझ के खाइए, अगले भोजन की तरफ चिंतित मत होइए, इसको एंजॉय कीजिए। आजकल सर्दियों में खाना खाने के बाद गच्चक कौन कौन खा रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये मेरा वर्क प्लेस है और ये उदय का स्टडी टेबल। एक्चुअली उदय ने भी अपना स्टडी टेबल जो है वो अपने रूम में नहीं रखा, अब उसने भी हॉल में रख लिया है। पहले हम लोग क्या सोच रहे थे, पहले मैं सोच रही थी कि यहाँ पे मेरा टेबल है तो यहाँ पे ही साइड में मैं उदय का कर देती हूँ, तो हम दोनों साथ साथ पास पास टेबल लगा के बैठ के अपनी पढ़ाई किया करेंगे, मतलब मैं अपना काम करूंगी वो अपनी पढ़ाई किया करेगा। मैंने सोचा कि अगर बिल्कुल साथ साथ हम जुड़ गए ना तो फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि बहुत बातें करता है और मैं भी कम बात नहीं करती हूँ, बस बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं डिस्कशन करने के लिए। तो फिर मुझे लगा कि जब दोनों हम बैठेंगे यहाँ पर तो सिर्फ हमारी डिस्कशन चलती रहेंगी किसी ना किसी टॉपिक पर और हम पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए हमने ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रख दिए हैं टेबल्स ताकि ये अपना पढ़ पाए। लेकिन फिर भी हम बीच बीच में चीट कर लेते हैं जब हम मैं बैठ के अपना काम कर रही होती हूँ। हाँ तो मैं क्यों रहूँ तेरे से बात किए बिना, अब बोलना मत बिल्कुल भी बात मत करना मेरे से, ठीक है? टिल टू आवर्स। लेकिन अगर मेरा कुछ गुनगुनाने का मन करे फिर वो भी मेरे को रिस्ट्रिक्शन है, मैं कैसे गुनगुनाऊंगी क्योंकि साहबजादे बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ये सारा टाइम पढ़ता रहता, तो बीच बीच में मैं गुनगुना लेती हूँ, इसका भी मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। वो पता लग गया कि मेरे ये सेंटेंस कभी पूरे नहीं होने देता जब भी मैं कुछ गुनगुना रही होती हूँ, बहुत अच्छा। एक बार कई बार ऐसे होता ना कि आप गुनगुनाने लगे और कानों को बहुत सुकून दे रहा है जो स्वर आपका निकला है, तो उसी टाइम ये कोई ऐसी बात बीच में बोल देता है ना तो सारा मतलब वो ख़त्म हो जाता है, तो फील आ रहा होता है। क्यों उदय करता है तो ऐसे उदय जवाब देना तो लाउड है तो ओके उदय मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू डू माय वर्क। अब मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ी देर बैठ के बुक रीड करूँगी। तो गोदान अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है गोदान, क्योंकि पढ़ने को ही नहीं मिलता इतना ज़्यादा, मतलब वही किस दिन मैंने 4 पेज पढ़ लिए किस दिन 5 पेज पढ़ लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। कभी तो ऐसे होता है कि सिर्फ 2 ही पेज पढ़ पाती हूँ मैं, बट ये है कि कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। जो जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई हैं अपने ऊपर, कुछ चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, कुछ चीज़ें आप अपने दिल से अपनी खुशी से करते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ऑब्वियसली खुशी से ही निभानी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती ना कि
हाँ ठीक है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ, मतलब इसमें ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो करना है इसको भी और खुश मन से करना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको करना आप उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हो, बट आपको अच्छा फील करवाती हैं, खुश फील करवाती हैं, तो फिर उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मान लेना चाहिए, तभी आप उनमें कंसिस्टेंट रह पाते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि यार ये चीज़ प्राइमरी नहीं है ये सेकेंडरी है, तो फिर ऑब्वियसली आप उसको कहीं ना कहीं स्किप करते रहोगे। तो स्किप नहीं करोगे जब आप अपने मनपसंद चीज़ों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के करोगे। तो चलिए थोड़ी देर बुक रीड करते हैं, उसके बाद चलते हैं बहुत सारी, आज हम मील प्रिपरेशन करेंगे। कल मैंने बहुत सारी वेजिटेबल शॉपिंग की, साथ में मैंने ग्रोसरी शॉपिंग भी की थी थोड़ी बहुत, तो पढ़ लेते हैं 3-4 पेज फिर चलते हैं। और ये देखो साइकिलिंग हो रही है यहाँ पे, मेन रोड का फायदा उठाते हुए ममता की साइकिल ले ली है। आज धूप निकली तो मैं अपनी बुक लेकर सीधा छत पर ही चलेगी कि चलो वहीं बैठकर रीड करते हैं, तो देखा कि कुलदीप जी हाउस हेल्पर की साइकिल लेकर रोड पर निकल गए हैं। तो वही बात जो मैंने आपको बोली ना कि अगर धूप निकल जाती है तो हाथ पैर खुलने लगते हैं और काम करने को दिल करता है, एक्सरसाइज करने को दिल करता है। No. नो करने से कितना ऑफेंड होता है ना। शाम की चाय में कौन कौन पिन्नी नहीं खा रहा है, मतलब हम तीनों खा लेते हैं, जो हमारी औलाद है ना बिगड़ी हुई खाई हुई है, पर मैंने आपको पहले बोला था कि मुझे मूंग दाल की पिन्नियां नहीं खानी, मुझे मूंग दाल का हलवा खाना है। पर फिर भी मैंने खाई है, वो ऐसी बात नहीं है पिन्नियां खाई है, जब बनाई तब भी उसके बाद भी मैंने ली है। जब भी मैं उदय से ना आजकल बात कर रही हूँ, आई थिंक एक हफ्ता हो गया होगा, बिजी रहती हूँ तो नहीं इतना होता कि जैसे ही डिमांड की वैसे ही पाव भाजी की डिमांड थी चलो बना दी मैंने। भी हम बात कर रहे हैं आजकल इसका पूरे घर में सिर्फ एक ही नारा है, मूंग दाल का हलवा। मूंग दाल का हलवा कब बना रहे हो, मूंग दाल का हलवा कब बना रहे हो, कब बना रहे हो। ये इधर नहीं करना, नहीं करना। शाम की चाय के बाद जैसे ही मैंने डिनर बनाना स्टार्ट किया, उसी वक्त मैंने अपने हफ्ते भर की तैयारी करना भी शुरू कर दिया। मतलब पूरे वीक के लिए मील प्रिपरेशन करने का मतलब है अपनी स्पीड को इंक्रीज करना, प्लस आपके पास कुकिंग के बहुत सारे ऑप्शंस भी खुल जाते हैं, और ये सारे काम आपको स्माइल के साथ करने हैं। आज मैं आपको ऐसी कोई तैयारी नहीं दिखाने वाली हूँ जो शायद मैंने अपने चैनल पे पहले कभी नहीं दिखाया। वही सेम चीज़ें होती हैं विंटर्स में, जो सब्जियाँ हमारे पास होती हैं, जो ऑप्शंस हमारे पास होती हैं, ये जो फैमिली हमारी जिस तरह का खाना खाती है वही तैयारी हम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दूध चढ़ा दिया है फ्लेम के ऊपर, मुझे इसका पनीर बनाना है। प्लस मैंने सोयाबीन की दाल चढ़ाई है एक प्रेशर कुकर में, क्योंकि आज डिनर में मुझे सोयाबीन बनानी है। और ब्लैक चने चढ़ा दिए हैं क्योंकि मुझे उन्हें बॉयल करके स्टोर करना है। और साथ ही 10 दिन की मलाई हमारे पास इकट्ठा है, उसका मक्खन बनाऊंगी और सुबह फिर मम्मा इसका घी बनाएंगे। दूध बॉयल हो जाए उसमें डालेंगे थोड़ा सा विनेगर और बन जाएगा पनीर। तो पनीर को छान लीजिए किसी कपड़े में, ऊपर से ठंडा पानी डालकर इसे हम वेट के साथ रख देंगे। तो मेरे पास ये पनीर मेकर है, लेकिन इसकी जो नीचे की प्लेट है वो गुम हो गई है शिफ्टिंग में, मतलब गुम भी नहीं हुई है, यहाँ वहाँ अभी मुझे मिल नहीं रही है मतलब। तो अभी जो मेरे पास अवेलेबल था उसी को रखकर मैंने पनीर को प्रेस करके रख दिया है। जब तक हम सारी तैयारी खत्म करेंगे तब तक पनीर भी तैयार हो जाएगा। आधे घंटे से ज्यादा वैसे भी पनीर को नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज वो बहुत ड्राई हो जाता है। तो बातों बातों में मक्खन भी तैयार हो गया और सुबह घी भी बन जाएगा। घी बनाना एक्चुअली थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए काम मैं मम्मा को ही देती हूँ। आई नो मुझे पालक ब्लांच करते देख देख कर शायद आप बोर भी हो गए होंगे, लेकिन पालक मैं सर्दियों में बहुत खाती हूँ, मतलब मैं बना लेती हूँ बहुत कुछ इसका। पालक पनीर बना लो, आलू पालक बना लो, पालक दाल बना लो, पालक पनीर की भुर्जी बना लो, पालक के साथ अंडे बना लो, देयर आर लॉट्स ऑफ डिशेज जो आप बना सकते हो। और नहीं कुछ ऐड करना ना, सिंपल पालक की प्यूरी भी आप खा सकते हो, हल्का सा बस उसमें गार्लिक का छौंक दे दो और बस इंजॉय करो। मैं सर्दियों में पालक ब्लांच कर करके बहुत रखती हूँ, तो 2-3 मिनट लगते हैं इसको, बस अपने बॉयल करना है, उसके बाद ठंडे पानी में डाल देना है, उसके बाद इसे ग्राइंड करके इसका प्यूरे बना के इसे फ्रिज में रख लीजिए। मटर का सीजन जब रहता नहीं और मटर की हमें ज़रूरत होती है ना, तो हम फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटर है ना कि आजकल इतना बढ़िया मटर आया हुआ है, फ्रेश मटर आया है, इसे आप ब्लांच कर करके रख लीजिए फ्रिज में स्टोर करके, बस छीलने का ही काम है, औरतों को ज़्यादा काम है नहीं इसका, तो ये भी आपके घर के बुजुर्ग बैठे बैठे कर सकते हैं। तो मुझे तो भाई ये हेल्प मिल जाती है। और बस मटर को नमक वाले पानी में 2-3 मिनट ही बॉईल करना है, निकाल के ठंडे पानी में डालना है
और उसके बाद बस इसे स्टोर कर लेना, मतलब फ्रीज कर लेना है। ब्रोकली को भी ब्लांच करने में इतना ही टाइम लगता है, मतलब नमक वाले पानी में बस 2-3 मिनट इसे बॉयल करना है, ठंडे पानी में डालकर इसे भी हमने फ्रीज कर लेना है। ब्रोकली बहुत जल्दी येलो हो जाती है जैसे हम लेके आए, तो नेक्स्ट डे या तो उसे बना लीजिए कोई सब्जी वगैरह बनानी है तो, अदरवाइज बेस्ट वे यही होता है कि आप इसे ब्लांच करके स्टोर कर लो, तो बहुत सारी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब सुबह बस अपने सब्जियां फटाफट सॉटे की, साथ में ब्रोकली ऐड कर दी, चाहे अंडे की भुर्जी में, चाहे आप पोहा बना सकते हो, नमकीन दलिया बना लो, नमकीन ओट्स बना लो, उसमें डाल लो, मतलब चीज़ अगर आपके पास पड़ी है तो ऑप्शंस तो आपको बहुत मिल जाएंगे। आज मैंने सिर्फ ब्लैक चना ही फ्रीज करने हैं क्योंकि वाइट चना मेरे पास पड़े हैं फ्रीज किए हुए, तो इनके साथ आप कबाब बनाओ, देखो कितने टेस्टी बनते हैं, मैंने आपके साथ रेसिपीज भी शेयर की हैं। चने का पानी फेंकना नहीं है, उसे सूप की तरह गरम गरम या तो आप खुद पी लो या फिर डॉग फूड में ऐड कर दो। जीरे का छौंक लगा के वैसे खा लो या चना चाट बना लो, आलू बीच में ऐड कर लो। ऑप्शंस की बात मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि अगर आपके पास हेल्दी ऑप्शंस हैं तो आपको हेल्दी खाने से कोई नहीं रोक सकता। काम करते करते डिनर का टाइम भी हो रहा था, तड़का मैंने लगा दिया, सोयाबीन की दाल बॉयल हो गई थी, बहुत टेस्टी दाल बनती है ये, बहुत सिंपल तड़का होता है। बस प्याज टमाटर अच्छे से भून लेने के बाद हमने इसको ग्राइंड करना, मतलब मैं हमेशा ग्राइंड करके इसका प्यूरे बना के ही डालती हूँ। इडली डोसा के लिए मुझे बैटर रेडी करना था, सुबह मैंने भिगो दिए थे चावल, जो इडली वाले चावल होते हैं वो, 3 कप और 1 कप दाल उड़द की, साथ में थोड़ी मेथी सीड्स भी इसमें डाले थे, 1/2 कप मैंने पोहा भिगोया था। तो बस इन सभी चीज़ों को अलग अलग मैंने ग्राइंड कर लेना है। आजकल क्या होता है कि सर्दियों में थोड़ा फर्मेंटेशन में टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको बस ग्राइंड करके अच्छे से इनको मिक्स करके इसको मैं वैसे ही ओवन में रख दूंगी ताकि थोड़ी ठंडी इसको कम लगे, क्योंकि धूप तो आजकल निकल नहीं रही है, अदरवाइज इसको धूप में रख सकते हो आप तो ये जल्दी फर्मेंट हो जाता है। 2-3 दिन तो आई थिंक इसको लगेंगे ही फर्मेंटेशन के लिए। तो लीजिए इतनी सी देर में पनीर भी तैयार हो गया है। हरी चटनी बनाने के लिए वही मैं आंवले का ही यूज कर रही हूँ। विंटर्स में आजकल बहुत आंवले आपको मिल जाते हैं, जितना हो सकता है जिस तरह से हो सकता है खाने की कोशिश कीजिए। हफ्ते में एक बार चटनी ज़रूर बनाइए पुदीना धनिया वगैरह डाल के। तो बस कुछ ना कुछ मील प्रिपरेशन हम सबको ही करनी चाहिए, चाहे वीकली कीजिए या 4 दिन की कर लीजिए, मतलब कुछ ना कुछ ताकि आपके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल हों। तो बस आज की वीडियो में शायद इतना ही काफ़ी है और मैं मिलूंगी आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।